पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी बलोटिया मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एएसपी सिटी एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने बलोटिया मार्केट में सभी गाड़ियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। गाड़ियों की पार्किंग के लिए कचहरी क्लब का मैदान खोल दिया गया है और बलोटिया मार्केट में दवा लेने आने वाले दुकानदारों के लिए गाड़ी खड़ी करने की सुविधा कचहरी क्लब के मैदान में की गई है। गौरतलब है कि बलोटिया मंडी में दवा लेने आ रहे व्यवसायी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और गाड़ियों की भीड़ से वहां व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। इसको देखते हुए एसपी सिटी एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को मंडी का निरीक्षण किया था और दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों से बात कर मंडी में गाड़ियों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद अब बलोटिया मार्केट में कारोबारियों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक कुमार चौरसिया ने कहा, मैं आलोक चौरसिया महामंत्री दवा विक्रेता समिति। कल शासन से बैठक के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि बलोटिया मार्केट चूँकि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे पूर्वांचल के सारे दवा की सप्लाई यहीं से संभव हो पाती है, तो उस दृष्टिगत को और सुरक्षित करते हुए कि दवा की आपूर्ति सुनिश्चित रहे और यहाँ पर गलती से भी कोई भी एक भी केस फाइंड आउट ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व दिया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्णतः लागू करके और उस पर सारे व्यापारी और सारे उनके स्टाफ सहयोग दें, इस मंशा के दृष्टिगत करते हुए दवाओं की वजह से गाड़ियां वहां पे खड़ी हो जाती थी। जैसे कई सैकड़ों के तादाद में गाड़ियां वहां आती हैं, माल लोड होके अनलोड होती है, उसमें टाइम लगता है, फिर जाम की स्थिति बन जाती थी। तो उस नाते प्रशासन ने एक अच्छा निर्णय लिया है, उसके लिए सामने कचहरी ग्राउंड में सारी पार्किंग व्यवस्था करा दी, उससे रोड खाली हो गया, मंडी के अंदर की सड़क खाली हो गई और अब कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सकेगी।